और हाथरस वाले बाबा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा नारायण साकार की लोकेशन ट्रेस हो गई है। न्यूज 18 के पास बाबा नारायण साकार की पुख्ता जानकारी है। मैनपुरी के आश्रम में छिपा है बाबा नारायण सरकार। यहां पर छापेमारी भी की गई और पहले खबर आई थी कि मैनपुरी के आश्रम के सुरंग से वो कहीं भाग गया है, लेकिन इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है पुख्ता जानकारी जो हमारे हाथ लगी है, वो ये कि बाबा की लोकेशन ट्रेस हो गई है और बाबा नारायण साकार इस वक्त मैनपुरी वाले अपने आश्रम में ही छिपा हुआ है। हादसे के बाद से ही बाबा नारायण साकार फरार है, गायब है, उसकी तलाश चल रही है, छापेमारी हो रही है और अब खबर आ रही है कि मैनपुरी के आश्रम में ही वो छिपा हुआ है। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई है, उसके हिसाब से वो मैनपुरी के आश्रम में ही है, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए कोई भी साजिश रच सकते हैं। उसके मोबाइल फोन की वजह से वो जानकारी मिली है, ट्रेस हुआ है, वो मोबाइल फोन छोड़कर कहीं और तो नहीं भाग गया वहां पर। ये तमाम सवाल अब भी बरकरार हैं, लेकिन अभी तक की जो पुख्ता जानकारी मिल रही है वो यही है कि बाबा नारायण साकार ये मौजूद है मैनपुरी वाले अपने आश्रम में। न्यूज 18 के पास ये जानकारी और इस वक्त आश्रम से उसकी गिरफ्तारी की कोशिश भी चल रही है। अमित गंजू हमारे सहयोगी मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कितनी पुख्ता ये जानकारी है कि मैनपुरी के ही आश्रम में छिपा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी तक ये शख्स बाहर नहीं आया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कल से जब से ये घटना हुई, उस घटना को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, मौतें इतनी हुई हैं हर व्यक्ति की आंख नाम है, और ऐसे में पुलिस ने भी पूरी अपनी कमर कस ली है। और अगर हमारे सूत्र बताते हैं, जो कॉल डिटेल निकलवाई उसके आधार पर, यही वो जगह है जहां इस वक्त वो लोकेशन मालूम चल रही है, क्योंकि मोबाइल नंबर्स की अगर बात की जाए जो उनके साथ उनके लोग उनके सेवादार ऑपरेटर करते हैं मोबाइल, उस मोबाइल की लोकेशन के अनुसार ये देखिए, पुलिस के जवान भी यहां मुस्तैद हैं और सुबह से यहां बने हुए। देखिए, आस्था क्या किसे कहते हैं, देखिए बाबा अभी यहां नहीं है, आस्था देखिए एक महिला कहां से आई और तब से इस दरवाजे पर कभी पानी लेके, कभी रोटी लेके, कभी भोग लेके, कभी इसमें दाल मुठ कहीं पानी लेके अपने ये भोग उनको अर्पित करने के लिए, उसे कहते हैं किस तरह ये बाबा लोगों के आस्था से खिलवाड़ करते हैं। और इसकी वानगी इस वक्त देखने को लिए, बारिश का वक्त भी है और एक महिला अपने हाथ देख सकते हैं कि प्लेट सामने है और यहाँ एक तो उसके नतमस्तक है और अपने सामने आप न्यूज 18 दिखा रहे हैं, विश्वास है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ये बाबा करता है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। ये आप अगर पॉसिबल हो सके तो इन महिला से बात कीजिए कि ये कहां से आई हैं और इतने बड़े हादसे के बाद ये क्यों ये भोग लेकर आई हैं यहां पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आस्था या अंधविश्वास ये लोगों को जिस तरह छला जाता है उसकी एक वानगी, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसे आस्था कहें या अंधविश्वास ये आपके सामने। ऐसे में अब हमने 2-3 बार इससे बात करने का प्रयास किया क्योंकि ये अभी नतमस्तक है, अभी बोलने को चलेंगे। ऐसे में मैं आपको अपने कैमरा मैन से कहूंगा, देखिए यहां से थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं क्योंकि यहां पुलिस की सुरक्षा, हम लोग आगे नहीं जा सकते, हमारी भी अपनी कुछ नियम है। इसके बाद यहां व्हीकल्स अंदर खड़े हैं, 5 से 6 व्हीकल्स यहां कारें खड़ी हैं, उसमें होंडा सिटी है, एक होंडा ब्रियो है और एस्टीम एक तमाम गाड़ी खड़ी है, जहां तक स्विफ्ट डिजायर है, जहां तक देखी जा सके 4 से 5 व्हीकल्स अभी भी खड़े हैं। ये वो है सेवादार जहां रुकते हैं, ये वो आश्रम है जहां सेवादार रुकते हैं। और ऐसे में से अगर मोबाइल की बात की जाए, जो हमारे सूत्र बताते हैं, मोबाइल से ट्रेस किया गया, जो नंबर का जिक्र हुआ था उस नंबर का CDRA बता रहा है कि वो यहां इस वक्त मौजूद है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी यहां डटे हुए हैं और अब अपने अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। और गोलीबारी इंतजार किस बात का हो रहा है अमित, इंतजार किस बात का हो रहा है? बाहर पुलिस वालों की मौजूदगी है, अंदर यह अनुमान है कि बाबा वहीं पर छिपा बैठा है, फिर अंदर दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पर पुलिस के जो डिप्टी DYSP यहाँ मौजूद हैं, CO साहब यहाँ मौजूद हैं, SHO यहाँ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये भी अपने ऑफिसर्स के आदेशों और निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें बड़ी सिस्टमेटिक और प्लान वे से के। और ऐसे में हम चलिए इनसे बात करने जाते हैं। अम्मा, क्या कर रही हो यहाँ? किसको नमन कर रही हो? अरे, किसको नमन कर रही हो अम्मा? भगवान को। कौन भगवान है यहाँ? ऊपर वाले को। अच्छा,
देख सकते हैं कि इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे तो और क्या, भोले भाले लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले बाबा ने ये दावा लोगों से करता है कि उसका ऐसा जल है जो लोगों की परेशानियों को दूर करता है। किसी के घर में विवाद हो, किसी में टोटका हो, टोना हो, किसी का बच्चा नहीं, किसी का, तमाम ऐसी चीजें, मगर इतने लोग जो इस हादसे मर गए उनकी कहीं ना कहीं एक मानवीय आधार पर बाबा ने इसकी जिम्मेदारी ली कि जाके उनके परिजनों से मिलता। इन सबको छोड़िए, जो 45 लोग या जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, जो परेशानी में हैं, जो जिंदगी की तकलीफ में हैं, ऐसे ही लोग हथियार बन जाते हैं इस तरह के बाबाओं के, और ऐसे ही लोग हथियार की तरह काम भी आते हैं, और इन्हीं लोगों की ताकत का गलत फायदा, नाजायज फायदा ऐसे बाबा लोग उठाते हैं। और अब इतना बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदारी लेने की जगह बाबा छिपा बैठा है और बाहर पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारियों की ओर से निर्देश आए तो हम अंदर जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं अमित कि अंदर मोबाइल फोन तो मौजूद है लेकिन बाबा अंदर नहीं है, क्या यह भी मुमकिन है? देखिए, बड़ा बहुत हो सकता है, मुमकिन कुछ भी हो सकता है। कल से इतनी बड़ी घटना, जिसने सुना, आसपास के जनपदों के लोग, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों जिन्होंने ये प्रकरण के बारे में सुना, उस चीज को देखने आए। अगर मगर बाबा के ना तो दिल पसीजा और ना उनके जहन में आया कि लोगों से जाके मिले, और ऐसे में अपने कैमरा में से एक बार कैमरा फिर पैन करके दिखाइए, शायद कुछ दिख सके कि यहां सेवादार कोई मौजूद हो, उनके आश्रम में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, पूरे किले जैसा दरवाजा बनाया है, लगभग 10 से 12 फुट ऊंचा दरवाजा है और चारों तरफ से ये किले की तरह इसको दीवारें बनाई गई है, सब बंद है। हालांकि पुलिस के कर्मी, सुरक्षा के कर्मी, जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो इन प्रमिसेस से बाहर है, क्योंकि पुलिस भी अपनी एक प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने से पहले अपने अधिकारियों की परमिशन लेने की बात करती है। जैसे बार बार बाबा ने जिक्र किया, उसके पास एक चमत्कारी पानी है, चमत्कारी जादू है, लेकिन यदि उसके पास वाकई वो अपने लोगों के प्रति चिंतित होता तो जो लोग इस वक्त हाथरस में अस्पताल में, उनको वो जल पिला सकता था, उनको ठीक भी कर सकता था। जब वो दावा इस चीज का करता है कि कैंसर ठीक कर लिया, टीबी ठीक कर लिया, किसी की परेशानी ठीक कर, किसी को लिवर की दिक्कत है, बिना दवाई के उस पानी पिलाने से ठीक कर देता, तो उन लोग जो इस तरह 38 से 40 लोग इसमें अभी अस्पताल में जिनके सरकार पैसा खर्च कर रही है, जिन्हें सरकार ठीक करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन जो लोग अंधविश्वास रखते हैं वो तर्कों पे कहां भरोसा करते हैं, उनके पास तर्क कहां? अगर तर्क होता तो अंधविश्वास नहीं करते। पीड़ित, अशिक्षित और जो तकलीफ में है, वैसे ही लोगों को इस तरह के बाबा मनगढ़ंत कहानियां बनाकर, चमत्कार का भरोसा देकर अपने झांसे में ले लेते हैं। अमित, आप जब यहां पर आए, आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हुई? किला बना रखा है, एक बड़े से एरिया को कवर कर रखा है बाबा नारायण ने। यहाँ पर 2-4 लोग भी दिख रहे हैं जो अंदर चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। बाबा यहीं छिपा हुआ हो सकता है, यह अभी तक जानकारी मिल रही है। उसका मोबाइल फोन जब ट्रेस किया गया तो वो इसी जगह पर पाया गया है। पुलिस की मौजूदगी बाहर, अधिकारियों के निर्देश का इंतजार है पुलिस कर्मचारियों को। इस बीच जो आसपास के लोग हैं उनसे आपकी बात हुई इस बाबा को लेकर? देखिए, हम यहाँ के डिप्टी DYSP एक मौजूद है हमारे साथ, और जो सुबह से लगातार यहाँ मौजूद हैं, ये PPS ऑफिसर है, हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, जो लगातार सुबह से यहाँ, मैंने इनको देख भी रहा हूँ। सर से हम बात करना चाहते हैं। सर, आप यहाँ तब से मुस्तैद हैं अपनी? सर, अभी तक पता चल पाया वो अंदर दिखा, आप लोग अंदर गए, कोई पूछताछ हुई सर की? नहीं सर, अंदर जो इनके श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे लगभग 150 से 200 की संख्या में यहाँ पे हैं। अच्छा, और उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं। जी, कोई अवांछित व्यक्ति आकर के यहाँ पे पत्थरबाजी ने करी, आक्रोश ने दिखाया, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं, और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है हमारी। और आप देख ही रहे हैं कि महिला आई हुई है, पूजा पाठ कर रही है इसमें। सर, लेकिन जिस प्रकार से इतना बड़ा प्रकरण हुआ, आप भी जानते हैं और हर व्यक्ति इस पूरे देश को जानता है, ऐसे में अंदर जो लोग मौजूद है वो कौन है, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाया कि क्या नहीं? श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त होते हैं वो हैं यहाँ पे। क्या जो बाबा हैं वो अंदर मौजूद हैं आपके नॉलेज में? ये अभी मालूम नहीं हो पाया है वहाँ पे है कि नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इनकी जरूर यहाँ पे हैं। सर, CDR भी आई, जो हमारे सोर्सेज है, CDR बता रही है कि जिस मोबाइल नंबर से वो बात हुई है, जिस मोबाइल नंबर से कल रात में बात हुई है, कल शाम को बात हुई है, वो मोबाइल की लोकेशन यहाँ दिखा रही है। निश्चित तौर पर पुलिस के पास इतना हाईटेक चीजें, ये तो पता ही हो ही जाता है सर। अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं है, आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। सर, क्या प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट है सर आपका, कि यहाँ खड़ा रहना है कि कुछ उसमें और भी होना है? सर, ये उच्च अधिकारियों पर निर्भर करता है, जिस तरह निर्देश मिलेंगे उसे काम किया जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ ये DYSP सर हैं, इनका साफ कहना है कि अधिकारियों के निर्देश के बाद आगे की प्लानिंग होगी। वही वो ये भी अंदर, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा 150-200 लोग अंदर भी मौजूद है और श्रद्धालुओं को कोई मिसहैंडलिंग न करे, कोई किसी प्रकार का ना हो। और ऐसे में देखिए, कुछ दो लोग आके भी गए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा ऊपर इसको पैन करके दिखाइए कि अंदर ये कौन लोग थे जो दरवाजे तक आए, दरवाजा खोला और फिर वापस दोबारा चले गए। तो ये पुलिस
पुलिसकर्मी है कि कौन है, ये तो जांच का, अब ये तो अधिकारी बता पाएंगे कि ये पुलिसकर्मी थे कि कौन है। ऐसे में जो लोग अंदर जा रहे हैं, इसमें महिलाएं भी दिखी, कुछ दिख रही हैं, कुछ पुरुष भी दिख रहे हैं, और जो टी शर्ट पहने जा रहे हैं, एक लेडी भी राइट साइड जा रही, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अंदर हैं। ये कौन लोग हैं, सेवादार हैं, सुरक्षा के कर्मी हैं, या उनके आश्रम के कार्य देखने वाले, ये भी जांच का विषय। और ऐसे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके जो अधिकारियों के निर्देश आएंगे उसके अनुसार अंदर। अमित, इसी बीच आप वहां मौजूद और लोगों से जरा बात कीजिए, उनसे पूछिए इस बाबा के बारे में। दावे ये हैं कि 25-26 साल पहले उसने वीआरएस लिया नौकरी से, और उसके बाद से ही सत्संग कर रहा था, और दिनों दिन जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, बाबा में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहां किस तरह की गतिविधियां होती थी, आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत कीजिए। बिल्कुल, मैंने कहा मैं लोकल लाइट्स लोगों से भी बात करना चाहूंगा, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं यहाँ के। सर, आप यहीं के देखिए, कैमरा देखने के बाद देखिए कैसे इनकी स्पीड अपने आप बढ़ गई, बताने की स्थिति में नहीं कुछ। देखिए, हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, आप बता तो दें, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी। हाँ, तो ये आप आगे पीछे ऐसा क्यों करें, बताइए ये कहाँ आश्रम पे आप आए हैं, मिलने आए हैं कि आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, बिछवा में। बिछवा में रहते हैं, क्या है ये, पता है आप क्या चीज है यहाँ, कौन रहता है, कुछ पता है सर? भोले बाबा रहते हैं यहाँ पे। भोले बाबा रहते हैं, क्या करते हैं भोले बाबा यहाँ? सत्संग करते हैं। नहीं, दर्शन देते हैं कि दर्शन करते हैं? दर्शन देते हैं। आपको दर्शन देते हैं? मैं आता ही नहीं देखने के लिए। अभी तो आप आए ना, आप लोग बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, सब घूमने के लिए आए थे। अच्छा, आश्रम घूमने के लिए। देखिए, इन्होंने पूरी बात को, आप यहाँ के हैं कि आप भी यहाँ के नहीं हैं? जी सर। क्या 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 सुना है इनके बारे में, क्या आप सुनते हैं? सर, हम सुनते नहीं है। आप सुनते नहीं? ऐसे ही सुना है कि क्या नाम, दर्शन देते हैं सभी को और सत्संग सुनाते हैं, ज्ञान की बात। कब मिले अभी आखिरी बार? हम मिलने नहीं आए, बस ऐसी भीड़ देख के आ गए। भीड़ देख के नहीं आए? हाँ जी, हम ये देखने आए, वो दुर्घटना हुई थी ना, उसकी वजह से आए। आप उसकी वजह से? देखिए, निश्चित तौर पर कैमरा देखने के लिए अधिकतर लोग कैमरे से आगे पीछे करने लगते हैं। मैंने सबसे बड़ी बात ये भी देखने आए कि बिल्डिंग कैसी है। चलिए, मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि वो बाबा का भक्त है, लेकिन बाबा के श्रद्धालुओं की संख्या, भक्तों की संख्या लाखों में, ये दावे बाबा की ओर से होते हैं। कल 121 लोगों की मौत हो गई, जान चली गई, महिलाएं, बच्चे और कई घर इस वक्त मातम में डूबे हैं। लेकिन जो बाबा चमत्कार की बात करता था, लोगों की दुख तकलीफ को दूर कर देने के दावा करता था, आज जब उसके अपने भक्त तकलीफ में हैं, दर्द सह रहे हैं, तो बाबा छिपा बैठा है। धन्यवाद अमित, इस वक्त लौटेंगे आपके पास और जानकारी होने पर, और इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।